अब हम समझते हैं थ्री मोमेंट थ्योरम से जुड़ी एक प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन है, एनालाइज द बीम एज शोन इन फिगर बाय थ्री मोमेंट थ्योरम। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बीम है ए बी सी, जिसमें दो स्पान है ए बी एंड बी सी। ए बी पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 40 किलोन्यूटन का, जो जिसकी डिस्टेंस ए से 2 मीटर है। साथ ही बी सी पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 60 किलोन्यूटन का, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर। ए बी का स्पान 4 मीटर है, बी सी का स्पान 6 मीटर है। दैट मीन्स हमारा 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर दोनों एक सेंटर्ड पॉइंट लोड। इन पॉइंट लोड के कारण हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जैसा कि मैंने बताया था, पॉइंट लोड के केस में जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, ट्रायंगुलर। सेम दोनों पॉइंट लोड है तो दोनों जगहों पर क्या बना, ट्रायंगुलर है ना। तो ट्रायंगल का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाय 4, जो कि दोनों में एक्ट होगा। सो दिस इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या कहलाएगी, एच वन। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या कहलाएगी, एच टू है ना। सो आगे हम देखते हैं स्पान ए बी। स्पान ए बी जो है हमें दिया हुआ है, ए बी स्पान के लिए एल वन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 मीटर। ए बी स्पान के लिए एल वन की वैल्यू 4 मीटर, दैट मीन्स ए बी का जो स्पान है वो कितना दिया हुआ है हमें, 4 मीटर दिया हुआ है। तो एल वन इज इक्वल्स टू 4 मीटर। साथ ही जो हमारा एल वन के साथ हमने जो एच वन निकाला, एच वन का फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, डब्ल्यू एल बाय 4 होता है। डब्ल्यू एल बाय 4 से डब्ल्यू की वैल्यू में 40 दी हुई थी, एल की वैल्यू में 4 दी हुई थी, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 40 हमने कॉल निकाल लिया डब्ल्यू एल बाय 4 से। साथ ही ए वन चूँकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना दिया हुआ था हमें इसका, 4 मीटर। सो 4 इंटू हाइट क्या है हमारी, 40 हमने अभी भी फाइंड की हुई है, इज इक्वल्स टू हमने सॉल्यूशन निकाले 80। नेक्स्ट एक्स वन, एक्स वन मैंने अभी आपको बताया था, एक्स वन क्या होता है, एक्सटर्नल एंड से सी जी तक की डिस्टेंस। सो एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की हाफ, दैट इज़ 4/2। बी सी स्पान के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। बी सी स्पान के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल टू। एल टू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6 मीटर। सेकेंड स्पान के लिए एल टू इज इक्वल्स टू 6। ए टू, एच टू की वैल्यू भाई डब्ल्यू एल बाई 4 से, डब्ल्यू की वैल्यू में लोड कितना लगा हुआ है इस पर, 60 किलोन्यूटन का। सो 60 इंटू 6/4 इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू विल बी 90। ए टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू क्या है, सेकेंड डायग्राम का एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना दिया हुआ था हमें इसका, 6 मीटर, और हाइट कितनी निकाली हमने, 90। सो 1/2 इंटू 6 इंटू 90, 270। एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी सेम जो हमारी वैल्यू थी, 6 मीटर, क्योंकि एक्स टू क्या है, एक्सटर्नल एंड से सी जी तक की डिस्टेंस, दैट इज एक्स टू। सो एक्स टू विल बी इक्वल्स टू 6/2। तो एक्स टू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। हमने अभी भी पढ़ा था कि थ्री मूवमेंट थ्योरम क्या कहती है, वाई यूजिंग थ्री मूवमेंट थ्योरम, एम ए एल वन स्टेटमेंट है ये थ्री मूवमेंट का, कि एम ए एल वन इज इक्वल्स टू 2 mb L1 प्लस L2 प्लस mc L2 इज इक्वल्स टू 6 a1 x1 अपॉन L1 प्लस 6 a2 x2 अपॉन L2। यहाँ पर ma क्या है, a का मूवमेंट, L1 क्या है, फर्स्ट स्पान, 2 mb क्या है, b एंड का मूवमेंट, L1 और L2 क्या है, दोनों स्पान, mc क्या है, c एंड का मूवमेंट, L2 क्या है, दूसरा स्पान, 6 a1 क्या है, फर्स्ट लोड के कारण जनरेट हुए फ्री बेंडिंग मूवमेंट का एरिया, x1 क्या है, उस एरिया की cg की एक्सटर्नल एंड से डिस्टेंस, L1 क्या है, टोटल स्पान। सेम यहाँ पर A2 सेकेंड लोड के कारण फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया, X2 फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की एक्सटर्नल एंड C से डिस्टेंस, L2 क्या है, दूसरा स्पान। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, MA हमें नहीं मालूम है, सो MA L1 की वैल्यू 4 प्लस 2 mb हमें नहीं मालूम है, L1 की वैल्यू 4, L2 की वैल्यू 6 प्लस mc L2 की वैल्यू 6, mc अगेन अननोन। 6 a1 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी कितनी, 80 आई थी, और वैल्यू ऑफ a1 इज 80 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज 2। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, a1 इज इक्वल्स टू 80, x1 इज इक्वल्स टू 2, जबकि यहाँ पे 6 a2 x2 ये भी हमने निकाला हुआ था, a2 की वैल्यू हमारी आई थी 270 जबकि x2 की वैल्यू आई थी 3। तो ये वैल्यू भी हमने पुट की, a2 मतलब 270 इंटू 3 डिवाइडेड बाई l2 6। हमें मालूम है कि हमारे पास जो एंड क्वेश्चन है इसमें ए एंड और सी एंड दोनों एंड्स कैसे हैं, हिंज है ना, हिंज है या रोलर। सो हिंज और रोलर दोनों केसेस में क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होता है वहाँ पे क्या होता है, जीरो। तो एम ए और एम सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब इस इक्वेशन में एम ए और एम सी क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ क्या इक्वेशन बचेगा, ये, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इक्वेशन विल बी ओनली 4 और 6 10 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 20 mb इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर 240 और इस टर्म को सॉल्व करने पर 810। सो 20 mb इज इक्वल्स टू 1050 mb की वैल्यू आ गई हमारी 52.5 किलो न्यूटन मीटर।
ये हमारे बी एंड का मूवमेंट आ गया. सो नाउ वी कैन से दैट सपोर्ट मूवमेंट हमसे पूछा गया था जिसमें ए एंड पर मूवमेंट हमने जीरो फाइंड कर लिया है, बी एंड सी एंड पर मूवमेंट जीरो होता ही है, बी एंड पर मूवमेंट हमने निकाल लिया है जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज़ 52.5. नाउ हमें निकालना है सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं होती क्या है कि ये जो आप ऊपर से नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं इनको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारे सपोर्ट ए बी और सी हैं ये क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इस बीम को न्यूट्रलाइज दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा. सो ए एंड पर जो रिएक्शन लगेगी दैट इज़ आर ए, बी एंड पर जो रिएक्शन लगेगी आर बी, सी एंड पर जो रिएक्शन लगेगी आर सी. सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहती है कि किसी भी बीम में समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेज नीचे की डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेज के बराबर होना चाहिए. जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे थे आर ए आर बी और आर सी, तीनों का सम ऊपर से नीचे लगने वाले फोर्सेज दैट मीन्स 40 और 60 के सम के बराबर होगा. सो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 100. नेक्स्ट अगर हमें आर ए आर बी और आर सी का सम मिल चुका है, अगर हम बी पर मूवमेंट निकालते हैं, अगर हम बी पर मूवमेंट निकालते हैं लेफ्ट साइड तो वो दो फोर्सेज के कारण जनरेट होगा, एक आर ए और 40 किलोन्यूटन का. सेम अगर बी पर हम राइट साइड मूवमेंट निकालते हैं तो आर सी और 60 किलोन्यूटन के लोड के कारण मूवमेंट जनरेट होगा. तो हम मूवमेंट निकाल लेते हैं टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी. अगर हम बी पर लेफ्ट साइड की ओर से मूवमेंट निकालते हैं, बी पर मूवमेंट निकालते हैं लेफ्ट साइड की ओर से, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फोर्स आएगा आर बी सॉरी आर ए. आर ए की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपवर्ड फोर्सेज विल बी नेगेटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी पॉजिटिव. सो अपवर्ड सबसे पहले क्या है आर ए, सो माइनस आर ए इंटू आर ए की डिस्टेंस बी पॉइंट से कितनी है 4. सो माइनस आर ए इंटू 4 प्लस डाउनवर्ड लोड है 40 किलोन्यूटन का जिसकी डिस्टेंस बी से कितनी है 2 मीटर. सो प्लस 40 इंटू 2 इज इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाएगा बी का मूवमेंट जो कि हमने निकाल रखा है 52.5. सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी आर ए. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे तो 52.5 और 40 इंटू 2 हो जाएगा 80, प्लस की जगह ये क्या हो जाएंगे माइनस वट 4 डिवाइड हो जाएगा. तो सेम यहाँ पर आर ए की वैल्यू हो जाएगी 6.88 किलो न्यूटन. नेक्स्ट टेकिंग मूवमेंट एट बी, अगर हम बी पर मूवमेंट लेंगे राइट साइड से तो क्या हो जाएगा बी पर मूवमेंट लेंगे अगर हम राइट साइड से तो आर सी अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस आर सी इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी 6, जबकि प्लस 60 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी 3. तो इक्वेशन विल बी माइनस आर सी इंटू 6 प्लस 60 इंटू 3 इज इक्वल्स टू बी का मूवमेंट दैट इज़ 52.5. सो यहाँ से हम आर सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे या हमें आर सी भी मिल जाएगा. हमें मालूम है कि आर ए आर बी और आर सी तीनों का सम कितना है 100 किलो न्यूटन. सो आर ए की वैल्यू कितनी है 6.88, आर बी की वैल्यू कितनी हमें नहीं मालूम है, आर सी की वैल्यू आई थी 21.25 और तीनों का सम कितना था 100. तो यहाँ से हम आर बी निकाल सकते हैं 71.87 किलो न्यूटन हमारे आर बी की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब हमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने ए बी और सी तीनों पॉइंट्स पर मूवमेंट निकाल लिए हैं जबकि हमें डी और ई पॉइंट पर भी मूवमेंट चाहिए पड़ेंगे. सो जब हम मूवमेंट्स निकालेंगे तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी दैट मीन्स जब हम डी पॉइंट पर मूवमेंट निकालेंगे तो डी के लेफ्ट साइड और राइट साइड हम दोनों साइड से मूवमेंट निकाल सकते हैं. जब हम राइट साइड से मूवमेंट निकालेंगे तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3 फोर्सेज के कारण डी पर मूवमेंट आएगा जबकि हम जब लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो केवल एक ही फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा. तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन हमें ईजी पड़ेगी. सो अपवर्ड फोर्स है तो मूवमेंट एट डी क्या हो जाएगा माइनस आर ए इंटू आर ए की डी से डिस्टेंस कितनी है 2. सो माइनस आर ए इंटू 2, आर ए की वैल्यू हमें मालूम है माइनस 6.88 मल्टीप्लाई बाई 2. सो वैल्यू विल बी 13.76. दैट मीन्स बी जो हमारे डी पर मूवमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13.76. नाउ टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, हमें बीम के ई पॉइंट पर भी मूवमेंट निकालना है. ई पर भी अगर हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करते हैं तो 1, 2, 3 फोर्सेज के कारण हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे जबकि अगर हम राइट साइड कैलकुलेशन करते हैं तो केवल एक ही फोर्स के कारण कैलकुलेशन करना पड़ेगा दैट इज़ आर सी. सो मूवमेंट एट ई क्या हो जाएगा माइनस आर सी इंटू 3 दैट इज़ माइनस 21.25 इंटू 3. सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 63.75. तो अब इन मूवमेंट्स के बेसिस पर हम इसका डायग्राम बना लेंगे. ए बी सी हमारे पास बीम है जिसके मिड पॉइंट्स डी और ई थे. हम कह सकते हैं ए पर मूवमेंट हमारा इनिशियली जीरो था, सी पर मूवमेंट इनिशियली जीरो था सबसे पहले और बी पर मूवमेंट हमने निकाला था 52.25. तो इनिशियली हम इसको मिला देते हैं जो कि हमारा क्या कहलाएगा ये फिक्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कहलाएगा. यहाँ से ये पॉइंट्स को हम इनिशियली मिला देते हैं. नेक्स्ट हमें मालूम है मिड पॉइंट डी पर मूवमेंट की वैल्यू थी 13.76 जो कि हमारा इससे ऊपर ही जाएगा.
13.76, ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। इस पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू है 63.76, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस पॉइंट पर भी हमें मिल जाएगा। फाइनली ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, इसमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टू पॉइंट शेयर फोर्स, हम सबसे पहले एक फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, बीम के लिए फोर्स डायग्राम, सारे के सारे जो फोर्सेज इसमें लग रहे हैं हमने केवल फोर्सेज को लिख लिया है, चूँकि हमें मालूम है शेयर फोर्स की डेफिनेशन होती है एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज। सो एक बीम है जिसमें हमें तीन अपवर्ड फोर्सेज लग रहे थे और दो डाउनवर्ड फोर्सेज लग रहे थे। तो हमें करना क्या होता है, शेयर फोर्स निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले सारे फोर्सेज का सम निकालना होता है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, ए के जब हम लेफ्ट साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ए के लेफ्ट साइड कोई भी फोर्स नहीं है। हमें मालूम है ए के लेफ्ट साइड, दैट मीन्स इस पोर्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही हम ए को क्रॉस करके राइट साइड पहुँचते हैं, ए पॉइंट के बाद जस्ट राइट साइड पर, तो ए के लेफ्ट जब हम उस पॉइंट पर होंगे तो उसके लेफ्ट साइड एक फोर्स होगा आर ए। तो अपवर्ड फोर्स चूँकि हम यहाँ पर माइनस लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं एज यूजुअल। सो एस आर शेयर फोर्स एट ए के राइट साइड कितना हो जाएगा, जो आर ए की वैल्यू लग रही है दैट इज़ -6.88। साथ ही शेयर फोर्स जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर निकालेंगे, ए के राइट से क्रॉस करके हम डी के लेफ्ट पर आएंगे, सो डी के लेफ्ट पर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू, क्योंकि ए के राइट और डी के लेफ्ट के बीच में कोई भी नया फोर्स ऐड नहीं हुआ है। तो जो शेयर फोर्स यहाँ पर होगा वही शेयर फोर्स यहाँ पर भी होगा। जैसे ही हम डी के राइट को छोड़कर लेफ्ट, मतलब डी के लेफ्ट को छोड़कर डी के राइट पर पहुँचते हैं, तो डी के राइट पर क्या होगा, हमारा एक डाउनवर्ड फोर्स दैट इज़ 40 किलो न्यूटन का ऐड हो चुका होगा। सो 6.88 में प्लस, चूँकि डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी पॉजिटिव, सो प्लस 40, रिजल्टेंट विल बी 33.12। हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है यहाँ से मूव होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में 33.12 पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है बी, बी के लेफ्ट डायरेक्शन में हम देखते हैं डी के राइट और बी के लेफ्ट में कोई भी फोर्स में चेंजेस नहीं आए हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी रिमेन सेम, सेम यहाँ पर भी वैल्यूज वही की वही रहेंगी जो ऊपर थी। अब हम देखते हैं बी के लेफ्ट राइट पर, जब हम हैं लेफ्ट पर, लेफ्ट से जैसे ही हम बी के राइट पर जाते हैं तो क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी एक्ट हो जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स नेगेटिव, तो इस फोर्स में माइनस हो जाएगा 71.87, जिसके कारण हमारी जो नेट वैल्यू होगी दिस विल बी -38.75। तो हमारा जो डायग्राम है ये यहाँ से निकल कर सीधे कितना आ जाएगा, माइनस के 38.75 पर आ जाएगा। अब बी के लेफ्ट और सी के राइट के बीच में, सॉरी बी के राइट और सी के लेफ्ट के बीच में कोई भी नया फोर्स एक्ट नहीं हुआ है, तो उस कारण से हम देखते हैं कि ई के लेफ्ट साइड और में जो फोर्स है वो एज इट इज़ वाई का वाई आ जाता है, दैट इज़ -38.75। तो हमारी ये वैल्यू सी के लेफ्ट तक एज इट इज़ चलती है। जैसे ही हम सी ई को क्रॉस करके ई के राइट साइड पहुँचते हैं तो एक डाउनवर्ड फोर्स 60 किलो न्यूटन का एक्ट हो जाता है, तो ये जो वैल्यू है इसमें एक प्लस 60 हो जाता है, जिससे 21.25 हमारी वैल्यू जाती है। तो यहाँ से निकल के हम डायग्राम 21.25 पर पहुँच जाता है। अब और हम देखते हैं कि ई के राइट और सी के लेफ्ट के बीच में कोई भी नया फोर्स नहीं आया, तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम एज इट इज़ चलता है इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है 21.25। अब जैसे ही हम इस पॉइंट को क्रॉस करके सी को क्रॉस करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स आर सी एक्ट हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 21.25। तो प्लस 21.25 में माइनस के एक 21.25 की वैल्यू ऐड हो जाती है, हैंस हमारा नेट शेयर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।